Cele. Então, cresceu o seu blog? Sim, né? Isso é bom. Ok. Chalo. Kya kiya tha humne last lecture mein yaad kar lete hain to last lecture mein humne kya dekha tha pehle to humne energies dekh li thi yaad karo pehle humne kya dekh liya tha energies of orbital uske baad kya dekha ki us orbital ko feel karne ke matlab orbital mein electron jayega to wo kahan kaise jayega kya energy rahegi kya spin rahega iske liye hamare paas teen rule the filling the orbitals of atom teen rule the pehla kaun sa tha ऑफ वोकर प्रिंसिपल जिससे हमने ये डिसाइड किया था कि लोअर एनर्जी से लेके हायर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं और उसके बाद हमने देखा था ओली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जिसमें उसने क्या बताया था कि एक ऑर्बिटल जो है उसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों के स्पिन कैसे होनी चाहिए ऑपोजिट ठीक है फिर उसके बाद जब तक जो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स यानी कि जो एनर्जी में इक्वल है वो ऑर्बिटल्स जैसे कि px py pz या d की पांच ऑर्बिटल्स वो जो उनकी एनर्जी सेम होती है उनमें तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती है जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाद में दूसरा जाना शुरू होगा पहले में दो दूसरे में दो ऐसे नहीं पहले वन उसके बाद वापस पेयरिंग कब होगा px py pz में अगर चार इलेक्ट्रॉन तो पहले तीनों में ही जाएंगे उसके बाद चौथा px में पेयर बना जाएगा और वो भी उल्टी स्पिन के साथ ठीक है तो ये देख लिया अभी आज हम जो देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओके तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of an atom किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब क्या होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि आपके एटम की सारी ऑर्बिटल्स है उसकी जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है वो टोटल अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई एक आपने एटम ले लिया कोई एक एलिमेंट ले लिया सपोज आपने हीलियम ले लिया तो हीलियम में कौन सी ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये सारे अगर हम अरेंजमेंट देखें सारे इलेक्ट्रॉन्स की तो उसको हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो किसका रूल फॉलो करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पाउ का रूल फॉलो करता है पॉली का रूल फॉलो करता है और हंट का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल भी फॉलो करता है ठीक है तो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह से दिखा सकते हैं पहला जो इस तरह से दिखा सकते हैं कि सपोज हमने दिखाया s रेस टू जितने इलेक्ट्रॉन है सपोज 2 है 4 है 5 है ठीक है s रेस टू a या p रेस टू b या d रेस टू c इस तरह से दिखा सकते हैं इसमें ये आपकी ऑर्बिटल्स है a b c जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है सपोज आपने हाइड्रोजन ले लिया तो आप दिखाओगे s रेस टू 1 यानी कि एक s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है सपोज समझ रहा है कि इसमें p आ रही है p ऑर्बिटल जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो d रेस टू 3 ठीक है और दूसरा जो हमारा है वो है ऑर्बिटल डायग्राम ये एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन होगा रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन ये एक तरह का हो गया दूसरी तरह का जो है वो ऑर्बिटल डायग्राम ऑर्बिटल डायग्राम में क्या होगा सपोज 1s आपको दिखानी है तो एक बॉक्स दिखाओगे और 2p दिखानी है तो तीन बॉक्स दिखाओगे ये एग्जांपल दिखा रही हूं 3d दिखानी है सबसे छोटे छोटे सबकी सब ऑर्बिटल्स की सबसे छोटी ऑर्बिटल में वो लेती हूं 3d में आप पांच ऐसे बॉक्सेस दिखाओगे ठीक है इसमें क्या दिखाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट है तो एक ऐसे दिखाओगे अगर सपोज दो यहां पे तीन पहले प्रेजेंट है आपके ठीक है ऐसे यहाँ पे फोर्थ है तो दो स्पिन दिखानी है तो आप कैसे दिखाओगे पता है एक बार इस तरह
सकते हैं। क्यों? ये क्यों नहीं और ये क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आप क्या दिखा रहे हो कि एल की वैल्यू आपको पता है और एम की वैल्यू पता है, ठीक है। इसमें ना ही एम की वैल्यू पता चल रही है ना ही एस की वैल्यू पता चल रही है। प्रिंसिपल कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है ना ही तीन क्या है वो दिख रही है। इसमें देखो यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यानी एन पता चल रहा है। एस पी टी हमें एल दिखा रहा है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पे एक, यहाँ पे टू, तीन, यहाँ पे पांच, ये हमें एम दिखा रहा है। और ये ऊपर है या नीचे एरो, इसमें क्या होगा अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी जो डायरेक्शन है घूमने की वो ऊपर की तरफ से है तो उसको ऐसे दिखाओगे, यानी कि प्लस वन बाई टू तीन है तो ऊपर से दिखाओगे, माइनस वन बाई टू तीन है तो नीचे से दिखाओगे। तो ऊपर से दिखाया या नीचे से दिखाया इससे एस की वैल्यू भी पता चलेगी। तो आपका जो ऑर्बिटल डायग्राम है वो क्या दिखाता है, चारों के चारों आपके क्वांटम नंबर दिखाता है। इसीलिए ये वाला रिप्रेजेंटेशन ज्यादा प्रेफरेबल है कंपेयर टू दिस वन। ओके, सो अभी हम देखते हैं कुछ रिप्रेजेंटेशन आपके पास। अच्छा, आपको कितने एलिमेंट्स के नाम आते हैं पहले तो 1 to 20 आते भी है या नहीं आते हैं? तो ठीक है, चलो पहले 1 to 10 के करते हैं, उसके बाद 11 to 20 करेंगे, ठीक है। पहले 1 to 10 कौन से एलिमेंट होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा हमारे पास? फ्लोरीन, और उसके बाद नियोन। याद है ना, याद होना चाहिए। 1 to 10 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका नंबर जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं जेड लिख रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने इसको क्या करना है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3, इसमें 4, आपको इलेक्ट्रॉन को अंदर प्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो पहले लेते हैं हम आउट बॉक्स का, यहाँ पे पूरा बनाते हैं कि आपको पता होना चाहिए ना कि पहले कौन सी ऑर्बिटल लोगे, दूसरी कौन सी ऑर्बिटल लोगे, तीसरी कौन सी ऑर्बिटल लोगे, ये तो पता होना चाहिए। तो हम लेते हैं आउट बॉक्स का प्रिंसिपल, जो क्या है यहाँ पे सपोज 1s, फिर 2s, सेम ये रखना है, याद है ना, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4s, इतने में तो हमारी आ जाएगी, हम चेक कर लेते हैं अभी, ठीक है। यहाँ से आया फिर ये वापस गया, यहाँ से आया फिर वापस गया, यहाँ से आया वापस गया, यहाँ से आया वापस गया, कितना रखते हैं, ठीक है। तो पहली कौन सी ऑर्बिटल है हमारे पास? 1s। तो हाइड्रोजन को आप कैसे दिखाओगे? एक बॉक्स दिखाया किसका, ये नीचे नाम लिखो 1s, ठीक है, बॉक्स छोटा बनाते हैं हम 1s। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने होंगे 1, तो एक ही इसमें दिखाओगे। फिर हीलियम में 2, तो क्या दिखाओगे 1s। अभी 1s में सेम एनर्जी वाली कोई दूसरी ऑर्बिटल है 1s जैसी नहीं, 1s दूसरा इलेक्ट्रॉन सीधा इसके अंदर जाएगा। तो ये हो गया आपका हीलियम। अभी हम लेते हैं लिथियम, थोड़ा दूर दूर लिखे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। लिथियम की बात करते हैं और थोड़ा दूर लिखते हैं, चलो अभी बात करते हैं हम तो लिथियम की। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। ये इलेक्ट्रॉन साइड में लिखा, मैंने जेड की वैल्यू लिखी है, ठीक है। चलो लिथियम में 3 है तो सबसे पहले 1s में 2 आ जाएंगे, अभी एक इलेक्ट्रॉन और बचा तो 1s के बाद देखो कौन सी ऑर्बिटल आती है, 2s। तो यहाँ पे आप बाजू में कौन सी दिखाओगे,
is 2s, 2p आ रहा है, अभी क्या आ रहा है 2p, p में कितनी ऑर्बिटल्स होती है, degenerated, p में देखो, px, py, pz, ये तीनों तीनों कैसी है, degenerated, degenerated ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, कि तीनों की एनर्जीज जो है वो इक्वल है, अभी तीनों की एनर्जीज इक्वल है, तो इसमें हमारा कौन सा रिलेट होगा, यानी कि सबसे पहले तीनों में एक एक के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पहले हम 2p ले लेते हैं इधर ठीक है ये हो गई आपकी 2p दो चार इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए बाकी कितना बचा है एक वो यहां पे आएगा अभी बात करते हैं कार्बन कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले 1 और 2 से दो दो दिखा दो अभी में भी पहले से एक है पांच हो गए सिक्स के लिए क्या होगा इसमें जैसे यहां पे कपलिंग होती थी यहां पे नहीं आएगा कहां पे आएगा यहां पे बाजू में पहले इसके तीनों में एक एक जाएंगे उसके बाद डबल हो शुरू होगा समझ में आया नाइट्रोजन नाइट्रोजन में क्या होगा नाइट्रोजन जो आपका है वन एस में दो 2s ठीक है अभी पहले दो तो थे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर के लिए क्या करोगे तीसरा यहां पे कहीं पे नहीं लेकिन यहां पे ठीक है अभी देखो अभी क्या होगा नाइट्रोजन के बाद यहां पे अभी कहीं पे सेम एनर्जी लेवल कोई भी एनर्जी पूरी वैकेंट है मतलब बिल्कुल खाली हो ऐसे नहीं अभी इसमें कपलिंग होगा मतलब अभी इसमें यहाँ पे उल्टी स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा ऑक्सीजन में क्या होगा मैं आपका ये मिटा देती हूँ अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है बाद में करेंगे ठीक है चलो तो ऑक्सीजन में क्या होगा पहले 1s2s जो है उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन होगी तीन इलेक्ट्रॉन कितने किसमें आएंगे इसमें सेवन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 के लिए एक चाहिए तो देखो यहां से कपलिंग चालू नहीं कर सकते यहां पे नहीं कर सकते ऑलवेज यहां से करना है एक्स ठीक है तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन अभी फ्लोरीन फ्लोरीन में क्या होगा 1s 2s ऊपर के एटम के ना इस रिप्रेजेंटेशन से मुझे मोलिस दिखा देना फिर हम नीचे का चेंज करेंगे तो यहां पे दो यहां पे एक अभी इसमें क्या है 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरी कपलिंग कहां पे होगी यहां अभी नियोन नियोन में क्या होगा 10 है 1 2 3 4 ये सबके नीचे ऑर्बिटल का नाम लिखना जरूरी है 4 हो गए अभी 5 6 7 8 9 यहां तक हो गया अभी 10 के लिए यहां पे ये और इस तो नियोन को ध्यान से नियोन देखो ध्यान से नियोन क्या कर रहा है आपकी जो ऑर्बिटल्स हमारी थी 1s 2s 2p ये सारे ऑर्बिटल्स कहते हैं सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऐसे जो ये होते हैं ये कैसे होते हैं कंपाउंड तो ये कंपाउंड नॉन रिएक्टिव होते हैं ये एलिमेंट्स कैसे होते हैं नॉन रिएक्टिव क्यों क्योंकि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है जो कि रिएक्शन कर पाए आपको लगेगा कि इस पे देखो हमारा हीलियम हीलियम भी वही है नॉन रिएक्टिव लेकिन बेरियम में ये नहीं होगा क्योंकि ये आपको अगर हायर एजुकेशन आएगा कि
जो दो इलेक्ट्रॉन है उसकी पहली लिमिट होती है, उसके बाद आठ इलेक्ट्रॉन की लिमिट होती है, उसके बाद दूसरे आठ इलेक्ट्रॉन की लिमिट होती है आपकी किसी ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ की जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती है सारी, उसको हम क्या वो कैसे होती है नॉन रिएक्टिव। अभी हमने ये सिर्फ हाइड्रोजन से नियोन तक किया है, अभी आगे के लेक्चर में हम नियोन के बाद क्या आता है सोडियम, तो सोडियम से आगे करेंगे 20 एलिमेंट्स तक और उसके बाद 30 एलिमेंट्स तक भी जाएंगे। हम 1 to 30 के चेक करने वाले हैं। फिर ये अगर आपको चेक करना हो तो आपके टेक्स्ट बुक में आपको जहां पे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, थोड़ी देर में भी खत्म हो जा रहा है, वहां पे पीछे सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन दिए हुए है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन इस तरह से नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर दिए है 1, 2, 2, 1 इस तरह से। आपको इस तरह से सीखना है रिप्रेजेंटेशन। तो क्या ट्राई करोगी करोगे आपके उसमें जितने एलिमेंट्स आपको दिए है टेक्स्ट बुक में पीछे, उन सारे एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये अभी तो हमने अंको का रियल टूटी तक ही देखा, अभी आगे भी देखेंगे, लेकिन पहले ये अच्छे से लिख लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा करेंगे। होमवर्क याद है ना क्या करते रहना है, होमवर्क में क्या करोगे सब कुछ 2 times जो भी मैं आपको जो थियरी होती है, जो कैलकुलेशन होती है, जो भी नहीं थियरी हम करते हैं, सब कुछ आपको 2 times कंपल्सरी लिखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में।